गुलकारा मेघा और भारतीय गुलकार वीरेंद्र वीर के नए गाने का टीजर जारी। गाने बॉर्डर पार की रिकॉर्डिंग लाहौर के तारीखी मकामात पर की गई। फर्स्ट टाइम गया था ये, जब गया तो पहले मैं कभी नहीं गया। हमने हम ऑल ओवर शोज करते हैं, तो एज ए आर्टिस्ट शोज करते हैं, तो मैंने एक दो शोज दुबई में किया है जिसके अंदर हमारा कम्बाइंड शो था इंडो पाक शो। उसमें कुछ पाकिस्तान के आर्टिस्ट थे और कुछ इंडिया के आर्टिस्ट थे, और हमारा कम्बाइंड शो बहुत हिट गए। दो तीन शोज बहुत अच्छे गए क्योंकि पाकिस्तान के आर्टिस्ट भी बहुत फनकार बहुत अच्छे हैं वहाँ। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे उनके साथ प्यार बढ़ा। वहाँ पर हमारी उनकी वहाँ से जो लाइव टेलीकास्ट वगैरह सब पाकिस्तान में भी जाती रही वो सब, तो वहाँ पर हमारी थोड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई डे बाय डे। तो वहाँ से मुझे अप्रोच किया गया, या जैसे मेघा जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये पहले मेघा जी, मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में कि ये बहुत नोन आर्टिस्ट हैं वहाँ की, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं वहाँ की जो, और इनको एक स्टेज की कताला का एक खिताब भी मिला हुआ गवर्नमेंट से वहाँ पर, और ये फर्स्ट टाइम एज ए सिंगर लॉन्च हो रही थी यहाँ पर पाकिस्तान में। एज ए सिंगर फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई, तो इन्होंने मुझे ऑफर किया कि वरिंदर जी ऐसे ऐसे हम कुछ सोच रहे हैं, तो क्या हम कोई कंबाइन कर सकते हैं। तो फिर हमने ये विचार बनाया कि अगर कंबाइन कुछ करना ही है तो हम क्यों ना कुछ अपने देशों के लिए कोई प्यार का एक टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ फ्रेंडशिप, कुछ ऐसा मैसेज भी दे साथ में कि जिससे कुछ मैसेज भी चला जाए और साथ में हमारा सॉन्ग भी आ जाए। फिर हमने ये स्टार्ट किया। फिर इसके अंदर हमारे साथ जुड़े तारिक ताफू साहब। तारिक ताफू साहब पाकिस्तान के बहुत ही नॉन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ताफू खान साहब के बेटे हैं। ताफू खान साहब जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है और उस्ताद लेवल के बंदे हैं ये, और उन्होंने फिर हमें ये लाइन दी कि सरदार, उनको दी कि सरदार जी तुसी कर लो बॉर्डर पार। दी कुछ ऐसा पता था कि बॉर्डर खुलने का कुछ ऐसा नहीं था हमारे पास, बट वहाँ पर जाने के बाद सिद्धू जी आ गए, फिर अनाउंसमेंट हो गई कि बॉर्डर खुल रहा है वहाँ पर करतारपुर बॉर्डर। सिद्धू जी भी वहाँ पर, मैं भी वहाँ पर, करतारपुर बॉर्डर भी खुल गया और हमारा जो सॉन्ग है उसका टाइटल भी बॉर्डर पार। तो ये चीज़ें सारी इमर्ज होगी, इकट्ठी होगी। तो मतलब मेरे हिसाब से पाकिस्तान वहाँ पर मीडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वहाँ के लोगों को इस चीज़ की बहुत बेहद खुशी हुई है कि बॉर्डर खुलने की, और उन्होंने मतलब कोई भी मुझे नेगेटिव बात नहीं सुनने को मिली मुझे कहीं भी किसी से, और बहुत ही प्यार, बहुत ही मोहब्बत, बहुत ही इज्जत मान जो आम पब्लिक है, आम आवाम है, बहुत प्यार करती है वहाँ पर, और वो चाहते हैं कि हम मिलजुल कर रहें। और मैं ये चाहूँगा कि फिर उसके बाद समझ लो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर वहाँ पर सिद्धू साहब और हमारी न्यूज़ के सिवा हफ्ता 10 दिन कोई और न्यूज़ ही नहीं चली वहाँ पर हर चैनल पे, मतलब इतना ज़्यादा मतलब न्यूज़ उन्होंने चलाई है। हमारा तो सॉन्ग तब रिलीज़ भी नहीं था, रिलीज़ होने से पहले ही हिट हो गया वो सॉन्ग, और न्यूज़ वालों ने खुद ये वहाँ पर टेलीकास्ट किया है कि जी ये एक ऐसा सॉन्ग है कि जो मतलब हमारे लिए इतना लक्की साबित हुआ है, और आप वरिंदर जी हमारे लिए इतने लक्की साबित हुआ है कि जब से आप आए हैं बॉर्डर भी खुल गया और गुड न्यूज़ हर तरफ मिल रही है, और उसके बाद आपका जो सॉन्ग है रिलीज़ होने से पहले हिट हो गया। देखो भाजपा का या उससे वो नहीं है, देखो हम एक आर्टिस्ट हैं, हम एक एज ए आर्टिस्ट मैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख रहा हूँ। एज ए आर्टिस्ट क्या होता है कि वहाँ के भी हम, अगर वहाँ भी हम गए हैं तो आर्टिस्टों के साथ ही हमारा ताल्लुकात रहा है, तो वहाँ पर जो आर्टिस्ट लोग हैं वो हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे हमें जो वहाँ पर जाके इज्जत मिली है तो वो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। वरिंदर क्या होगा हमारे साथ, क्या होना है वहाँ पर, जा तो रहे हैं या क्या है, लेकिन हम जब हमने गए हैं वहाँ पर तब ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब लोगों ने हमें वहाँ पर बहुत इज्जत दी है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, मेघा जी के साथ आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके फिर आपने जो शूट करा, हाँ जी बहुत कंफर्टेबल होके शूट किया, और हम मतलब और कहीं नहीं, उन्होंने हमें कहीं होटल में नहीं, कहीं नहीं, उनके घर पर ही हमने स्टे किया। बल्कि पूरी इवेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने किसी एक्टर एक्ट्रेस को काम करने के लिए यहां पर अलाउ नहीं किया, तो जैसे आपको वहां पर गवर्नमेंट ने अलाउ करा तो आप क्या कहना चाहेंगे, यहां पर भी करना चाहिए अलाउ? हाँ जी मतलब मैं तो ये रिलेशन थोड़े सही है। हाँ जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो एक पॉलिटिकल इश्यूज एक अलग चीज़ें हैं, पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे हैं, चलते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन हम तो एक एज ए आर्टिस्ट एक सोच रहे हैं, कहते हैं कि एक म्यूजिक, कहते हैं हमारे गुरु जी ने ये बात बोली थी, म्यूजिक इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म टू अचीव गॉड। म्यूजिक के जरिए हम भगवान को भी पा सकते हैं,
तो एक प्यार मोहब्बत का एक टोकन देना या एक हमारी तरफ से एक मैसेज देना या कुछ करना, तो आई थिंक कोई इसमें गलत बात नहीं है। वरिंदर जी, वाघा उस तरफ पड़ता है, यहाँ पर अटारी है, यहाँ पर जो नाम है अटारी है, वाघा उस तरफ का ही नाम है, लेकिन जो फेमस नाम है वो वाघा के नाम से जाना जाता है। सारा गाने की शूटिंग उधर हुई है, इधर इंडिया में हुई है, पाकिस्तान में हुई है? सारी लाहौर में हुई है शूटिंग, वाघा बॉर्डर पे हुई है और लाहौर में। शूटिंग के दौरान जब लोग मिलते थे तो किस तरह से रिएक्शन रहता था उनका, किस तरह से आपको ट्रीट करते थे वो लोग? सर जब शूटिंग के दौरान हमें कई लोग मिलने आते थे, कुछ नहीं, वो लोगों में तो एक खुशी जाहिर होती है। अच्छा, दूसरी बात क्या कि हमारे एक आइडेंटिटी ऐसी है कि पगड़ी पहनी होती है हमने, तो बड़ी दूर से पहचाने जाते हैं, तो दूर दूर से भी लोग आते थे मिलने के लिए, फिर फोटो खिंचानी है उन्होंने, फिर वो करना है, तो ऐसा कुछ नहीं मुझे महसूस हुआ। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का कुछ खौफ नज़र आता था उनके चेहरे पर लोगों के, वो पाकिस्तानियों के। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऐसा देखो, मैंने मेरे पास वहाँ पर ऑलमोस्ट पाकिस्तान का सारा मीडिया आया वहाँ पर, लेकिन पॉलिटिकल बात ना उन्होंने हमारे से की कोई, ना हमने कुछ ऐसा किया, तो खौफ जो करना चाहता भी था तो हमने आगे से हाथ जोड़ दिया कि हम नहीं कर सकते। सर आपकी बात